मारीच ऋषि का आश्रम है हेमकूट पर्वत पर। शकुंतला के जन्मदाता पिता थे विश्वामित्र। शकुंतला की प्रिय सखी है प्रियंवदा। ओहो राग परिवाहिनी गीति राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में है? हंसपदिका के गाने पर। को अन्यूत वहात तक धूम प्रभवती सुक्ति उद्धृत है विज्ञान शाकुंतलम से। अविज्ञान शाकुंतलम का पात्र है सारद्वत। दुष्यंत की विशेष रुचि रही है मृगया में। अनुसुया किसकी सखी है? शकुंतला की। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है आर्या। कर्ण थे तपस्वी। तपस्यामेव पिनाकिनम यह वाक्य किसने कहा? सूत ने दुष्यंत से। भवितव्यानम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र यह सूक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम की। संयम याति शकुंतला पति गृहम सर्वेर्नुज्ञायताम काश्यप कण्वा यह कथन किसके लिए कहा है? भिक्षु के लिए। शुश्रूष्व गुरुन्न कुरु प्रिय सखी मृत्युम स पत्नी जने में कण्वा ने किसे उपदेश दिया शकुंतला को? उचितम न ते मंगल काले रोदितुम किसने किसे कहा दोनों सखियों ने शकुंतला से? पातुम न डैस व्यवश्यति जलम रिक्त स्थान की पूर्ति करें उत्तर होगा प्रथमम। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से संकेतित या संबंधित है अंगूठी। राजा दुष्यंत की प्रथम पत्नी है हंसपदिका। राजा दुष्यंत की द्वितीय पत्नी या प्रेमिका थी वसुमती। राजा दुष्यंत की तृतीय पत्नी या प्रेमिका है शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की? अष्टमूर्ति शिव की। कण्वा का शिष्य है सारद्वत। शारंग राव किसका शिष्य है? कण्वा का। सतामी संदेह पदेशो वस्तु सुप्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः इस सूक्ति का वक्ता कौन है? राजा दुष्यंत। शकुंतला के साथ हस्तिनापुर तक कौन जाती है गौतमी? अभिज्ञान शाकुंतलम में अग्निगर्भा समीमी वह कौन